भारत ने रोमांचक उतार चढ़ाव से भरे फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को 7 रन से पराजित कर 17 साल के लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की इस जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन अब इस जीत पर जश्न मनाने वालों पर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर भड़क गई। भोजपुरी सिंगर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट पर लिखा, 32 साल की उम्र में माँ बाप के पैसों से खरीदे हुए मोबाइल में नेट पैक डलवाकर क्रिकेट को अपना धर्म बताने वाले बेरोजगार, तुम सिर्फ दया के पात्र हो। क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुंझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे? देश तब तक नहीं जीतेगा जब तक तुम जैसे लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे। ब्रिटिश हुकूमत और उनके गुलाम देशों के इस खेल में देशभक्ति तलाशने वाले मेरे भाई, तुमने पिछली बार हॉकी का पूरा मैच कब देखा था? गौरतलब है कि भारत ने 7 विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की चुनौती को 8 विकेट पर 169 रन पर थाम लिया। हार्दिक पांड्या ने 20 रन पर 3 विकेट तथा जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लेकर भारत को आखिरकार चैंपियन बना दिया। भारत ने 2007 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में पहली बार T20 विश्व कप जीता था, लेकिन अब 17 साल बाद भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में फिर से T20 विश्व कप जीता है। भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। हर किसी ने टीम को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी, लेकिन नेहा सिंह राठौर को ये सब रास नहीं आ रहा है। उन्होंने जश्न मनाने वालों को बेरोजगार तक कह दिया। अब उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट की जमकर आलोचना हो रही है। खैर, इस पूरी वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।